तो यार हॉलीवुड की कुछ बहुत ही कमाल की मूवीज देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होगी। इस लिस्ट के अंदर हम कुछ बेस्ट मूवीज को शेयर करेंगे आपके साथ, जिनमें से एक वेब सीरीज भी होगी और कुछ बहुत ही कमाल की मूवीज भी होगी। और आज के इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द मूवीज आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेगी, जिनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो की लाइक टारगेट देते हैं करीब 500 लाइक, तो 24 घंटे के अंदर 500 लाइक कंप्लीट करवा देना। और बिना इसी तरीके चले इस लिस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट के नंबर 10 पर आती है दी इन्फर्नल मशीन, जो कि 2022 की बनी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है और इस मूवी को एमडीबी की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुका है। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है ब्रूस नाम के एक आदमी से, जो कि पहाड़ी इलाकों में रहता है। और ब्रूस ने काफी साल पहले एक किताब लिखा था जिसका नाम भी था द इन्फर्नल मशीन। अब इसी किताब को लेकर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल तो हुआ था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ब्रूस को कोई एक लेटर भेज रहा है। अब उसी लेटर की मिस्ट्री स्टोरी क्या है और उस लेटर में क्या कुछ है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देख पाओगे। और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, यानी कि मूवी की स्टोरी आपको धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमाल की देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस लिस्ट को आगे बढ़ते हैं। तो इस लिस्ट के नंबर 9 पर आती है हेल होल, जो कि 2022 की बनी हंटेड फिल्म है। इस मूवी का एमडीबी की तरफ से 5.4 की रेटिंग मिल चुका है। तो यार इस मूवी की कहानी फोकस करती है 1987 पर, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर को ये रिपोर्ट मिलता है कि यार 7 लोग, मतलब कि 7 औरतें मिसिंग हो चुकी है। अब ऐसे में वो पुलिस ऑफिसर एक नकली फादर बन के एक चर्च के अंदर जाते हैं ताकि वो उन सभी लड़कियों को ढूंढ सके। लेकिन यार मूवी की कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उसी पुलिस ऑफिसर के साथ उसी चर्च के अंदर कुछ ऐसी चीजें होने लगती है, जिसे जानने के बाद आप भी कहोगे कि यार ये सब कुछ हो क्या रहा है। अब ऐसे में इस मूवी की आगे स्टोरी क्या कुछ होता है वो जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देखिए। और ये मूवी आपको टेलीग्राम पर या फिर इंटरनेट से हिंदी में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आज के इस लिस्ट के नंबर 8 पर आती है मॉन्स्टर ट्रक, जो कि 2016 की है और इस फिल्म को एमडीबी की तरफ से 5.6 की रेटिंग मिल चुका है। तो यार ये कहानी है ट्रिपी नाम की एक लड़की की, जो कि हाई स्कूल के अंदर पढ़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक गैराज के अंदर काम करता है। लेकिन ट्रिपी की लाइफ उस वक्त बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है एक मॉन्स्टर से। अब उसी मॉन्स्टर को कुछ बहुत ही खतरनाक एजेंट्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को उन लोगों से बचाने के लिए ट्रिपी क्या करता है, उसके यार उसे एक मॉन्स्टर, मतलब की एक बहुत बड़ी ट्रक के अंदर डाल देता है। अब ऐसे में इस मूवी की आगे स्टोरी क्या कुछ होता है वो सब कुछ जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। और ये एक बहुत ही कमाल की फिल्म है। तो आज के इस लिस्ट की नंबर 7 की मूवी आपके लिए बहुत ही कमाल की फिल्म हो सकती है, जिसका नाम है पेरिटर और एक 2010 की बनी साइफाई एक्शन फिल्म है। इस मूवी का एमडीबी की तरफ से 6.4 की रेटिंग मिल चुका है। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें अचानक से ये लगता है कि वो आसमान से कहीं एक जंगल के अंदर गिर रहे होते हैं। लेकिन उसी जंगल में कुछ वक्त गुजरने के बाद उन्हें ये पता लग जाता है कि वो हमारी अर्थ पर नहीं बल्कि किसी एक दूसरे प्लेनेट पर है। लेकिन यार इस मूवी की कहानी उस वक्त इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा हो जाती है जब उन लोगों को ये पता लगता है कि वो कुछ ऐसे शिकारियों की प्लेनेट पर आ चुके हैं और वही शिकारी उन लोगों का शिकार करने वाले हैं। अब ऐसे में वो सभी लोग किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं उन सभी प्रेडेटर से, ये सब कुछ जानने के लिए इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है रश आवर 2, जो कि 2001 की बनी एक्शन और कॉमेडी फिल्म है और इस मूवी को एमडीबी की तरफ से 6.6 को रेटिंग मिल चुका है। तो इस मूवी की कहानी फोकस करती है ली और कैटर के ऊपर। ये दोनों अपनी छुट्टियां बहुत अच्छी तरीके से बिता रहे होते हैं, लेकिन यार कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ली और कैटर को एक दूसरा मिशन दिया जाता है एक बहुत बड़े लॉर्ड क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। अब यहाँ से शुरू होती है इस फिल्म की असली स्टोरी, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मूवी के अंदर आपको जिस तरह की कॉमेडी देखने को मिलेगी वो उसे देखने के बाद आप बहुत ज्यादा हंसने वाले हो। तो ये एक बहुत ही कमाल की फिल्म है, मिस बिल्कुल भी मत करना। तो यार इस लिस्ट को आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें 100K तक बहुत जल्द पहुंचा सकती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना। तो हमारे इस लिस्ट की नंबर 5 पर आते हैं दी नन, जो कि असल में 2018 की बनी एक हॉरर फिल्म है और इस मूवी का एमडीबी की तरफ से बहुत अच्छी रेटिंग मिल चुका है। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक चर्च से, जिसके अंदर काफी टाइम पहले एक नन ने सुसाइड कर लिया था। अब सुसाइड करने के बाद से उसी चर्च के अंदर कुछ ऐसे मिस्टीरियस घटनाएं होने लगती है। कहानी बहुत टाइम गुजरने के बाद आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर उसी चर्च के अंदर जाता है ताकि वो ये पता लगा सके कि असल में उस चर्च के अंदर क्या कुछ चीजें हो रहा है। अब इसके बाद मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए, लेकिन यार मैं इतना कहूंगा कि हो सके तो इस मूवी को रात को बिल्कुल भी मत देखना। तो चलिए बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 4 फिल्म की, जिसका नाम आई स्पाय, जो कि 2002 की बनी कॉमेडी और एक्शन फिल्म है। इस मूवी को एमडीबी की तरफ से 5.4 की रेटिंग मिल चुका है। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक स्पाई से, जिसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन दिया जाता है लेकिन एक सिविलियन के साथ। अब वही सिविलियन अपने ख्याल में खोया रहता है, यानी कि वो किसी पे बात नहीं सुनता और वही सिविलियन बहुत ज्यादा अक्रूबी होता है। अब ऐसे में इस मूवी के अंदर आपको ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा कि वो स्पाई उस सिविलियन को कैसे सीधा करता है। आगे की स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप इस मूवी को जरूर देखिए। मूवी पुरानी हो सकती है लेकिन एक कहावत है ओल्ड इज गोल्ड, तो ये मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो इस लिस्ट के अंदर आती है टर्मिनेटर सीरीज की लास्ट पार्ट डार्क फेट, और ये मूवी अब दोबारा यूट्यूब पर आ चुकी है लेकिन प्लेलिस्ट के थ्रू। टर्मिनेटर सीरीज के लास्ट पार्ट के अंदर आपको, यानी कि इस मूवी के अंदर आपको कमाल के साइंस फिक्शन चीजें, एक्शन चीजें और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल पाएगी। तो अगर आप इस मूवी को दोबारा देखना चाहते हो तो इस बार मिस मत करना।
तो बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर सेकंड मूवी की, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, जो कि 2002 की बनी एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.3 की रेटिंग मिल चुका है। दोस्तों इस मूवी की कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। कहानी आपको एक ऐसी दुनिया की देखने को मिलेगी जहाँ पर फोर्थ वर्ल्ड वॉर होने से पहले वहाँ की गवर्नमेंट क्या करते हैं कि वो एक ऐसी वैक्सीन निकालते हैं जिसकी वजह से इंसान की जो फीलिंग्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन यार उसी वैक्सीन को रोजाना लेना पड़ता है। लेकिन यार जो लोग उस वैक्सीन को नहीं लेते हैं वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें ढूंढकर मार देते हैं। अब ऐसे में कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है जो कि धीरे धीरे उसे फीलिंग्स को दोबारा जीने लगता है। अब आगे उसके साथ क्या कुछ चीज़ें होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। और डायरेक्टली कहूँ तो यार एक मास्टरपीस फिल्म है। तो इस लिस्ट के नंबर 1 पर आते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के नंबर 4 से लेकर नंबर 8 के एपिसोड। और इससे पहले हमने बाकी एपिसोड को रिव्यू कर लिया था आपके साथ। और इस एपिसोड की मतलब कि सीजन के नंबर 8 से लेकर नंबर 8 के एपिसोड की लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इस सीरीज के लिए काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस सीरीज को यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स के पूरी सीजन को खत्म कर रहे हैं। तो यार ये थी आज की वो टॉप 10 बेस्ट मूवीज। आई होप कि आपको आपकी पसंद की मूवी जरूर मिल चुका होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर। टेक केयर एंड गुड बाय।